करते हैं कि जन जन संकल्प ले कि वह देश निर्माण में योगदान देगा, और फिर 2022 जब आएगा और नए भारत की जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री ने की है तो संकल्प से सिद्धि भी होगी। माननीय प्रधानमंत्री का आगमन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा में, माननीय प्रधानमंत्री एग्जीबिशन हॉल में आते हुए यहां पर सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री विभिन्न स्टॉल्स को देखेंगे, किस तरह से तकनीक का असर ग्रामीण जीवन पर पड़ रहा है ये देखकर वाकई ही उन्हें हर्ष होगा और उन्हें स्टॉल्स पर रखे मॉडल्स और प्रगति के बारे बताते हुए ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उनके साथ, साथ ही सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय अमरजीत जी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते माननीय प्रधानमंत्री, रामकृपाल यादव जी भी हमें साथ नजर आ रहे हैं, माननीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री। इस एग्जीबिशन हॉल में ये मॉडल, जियो टैगिंग का ये मॉडल, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मानना है कि 60 के दशक में इसरो की स्थापना हुई, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, और पिछले 5 दशकों में भारत ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में बहुत प्रगति की है, लेकिन प्रधानमंत्री चाहते हैं कि अब जो भी डेटाबेस बना है, जो भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से सूचना हमारे पास आई है उसका प्रयोग जन जन कल्याण के लिए हो। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में एग्जीबिशन हॉल में विभिन्न स्टॉल्स का जायजा लेते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कैसे टेक्नोलॉजी प्रगति में हमारी मदद कर सकती है, अंत्योदय का जो सपना है कि विकास के पथ पर खड़ा अंतिम व्यक्ति उस तक किस तरह लाभ पहुंचाया जाए, विभिन्न राज्यों के सफल मॉडल क्या हैं, कैसे बाकी राज्य एक दूसरे से सीख सकते हैं,
प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भारत ने सपना देखा है कि जब 2022 आएगा और राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के 75 साल पूरे करेगा, तब हर घर परिवार के पास अपना एक घर होगा। इस समय ये अलग अलग तरीके के ईंट के स्ट्रक्चर्स माननीय प्रधानमंत्री देखते हुए, इसमें सॉलिड ब्रिक वॉल का कॉन्सेप्ट है, रेड ट्रैप वॉल का कॉन्सेप्ट है, फ्लाई बैश ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है, थर्मल पावर प्लांट का एक पॉल्यूटेंट है फ्लाई ऐश। और यहाँ पर अधिकारी माननीय प्रधानमंत्री जी को बताते हुए कि किस तरह से इस पॉल्यूटेंट का इको फ्रेंडली तरीके से इस्तेमाल हो सकता है फ्लाई ऐश ब्लॉक बनाकर, इससे लागत भी कम होगी और क्वालिटी भी बनी रहेगी। साथ ही नीचे जो स्ट्रक्चर माननीय प्रधानमंत्री आप देख रहे हैं वो रैम्ड अर्थ है, इसमें 2% लाइम, 7.5% सीमेंट, कैसे आसानी से बेनिफिशियरी खुद इसे मिक्स कर सकता है, और यदि वह इसे बनाता है, आसानी से खुद बना लेता है, तो उसका लेबर चार्ज भी बचता है। पर्यावरण की दृष्टि से भी ये एक आकर्षक स्ट्रक्चर है। और जब मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो माननीय प्रधानमंत्री का आदर्श वाक्य जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, यानी जो चीज़ बने उसमें कोई डिफेक्ट ना हो, जीरो डिफेक्ट। और जब प्रधानमंत्री जीरो इफेक्ट की बात करते हैं, यानी उस वस्तु का पर्यावरण पर कोई भी बुरा असर ना पड़े। और पूरी उत्सुकता और उत्साह के साथ प्रधानमंत्री यहां पर मॉडल्स को देखते हुए, नानाजी देशमुख कहते थे कि अगर ग्राम उदय होना है तो जो लोकल संपदा है गांव की उसका ही इस्तेमाल करें। एक वाक्य जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही साझा किया था कि एक बार नानाजी देशमुख ने कहा कि कुएं में हम लोहे का पाइप ही क्यों डालते हैं, पानी निकालने के लिए बैम्बू की पाइप क्यों नहीं हो सकती। और यहाँ प्रधानमंत्री आवास योजना की स्टॉल में एक बैम्बू का स्ट्रक्चर भी दिखाया जाए कि कैसे, खासतौर पर नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर बैम्बू आसानी से उपलब्ध है, किफ़ायती भी है। और अगर स्थानीय क्षेत्र की संपदा ही स्थानीय लोग अपना लें तो उनके गांव में सामाजिक आर्थिक सक्षमता आ सकती है। और इसी ज्ञान उदय के पुरोधा थे नानाजी देशमुख, जिनकी आज जयंती है। इसी तरह से लोकल की हेल्प कैसे कर सकता है, इसका उदाहरण सोलर इकोसिस्टम बाय लोकल फॉर लोकल भी है। एज द नेम सजेस्ट, SELL, सोलर इकोसिस्टम बाय लोकल फॉर लोकल, इट एम्स टू लोकलाइज द प्रोसेस ऑफ असेंबली, डिस्ट्रीब्यूशन, रिपेयरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड आफ्टर सेल सर्विस ऑफ सोलर प्रोडक्ट्स इन रूरल इंडिया। The solar module manufacturing plant, which has been owned and operated by local tribal women of Dungarpur, is an incredible example of women empowerment and make in India. Solar entrepreneurs यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत से युवा उद्यमी यहाँ पर मौजूद हैं। और नानाजी देशमुख कहते थे कि उद्यमिता को हमें बढ़ावा देना होगा, कृषि उद्योग को बढ़ावा देना होगा। ये मॉडल्स जहाँ पर हम कैटल शेल्टर, गोट शेल्टर देख रहे थे, और साथ ही वेजिटेबल क्रॉप्स की बात करें तो चाहे वेजिटेबल क्रॉप्स फॉर कंटेनर गार्डनिंग की बात हो, उसकी क्या विधि रहती है, कैसे हम डाइवर्सिफाइड क्रॉप्स को उगाने की दिशा में आगे बढ़ें, किस तरह के प्राकृतिक रंग सब्जियों में पाए जा सकते हैं, इन सभी विषयों को यहां स्टॉल्स पर दिखाया गया है। सौर ऊर्जा के बहुत बड़े पक्षधर हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और हर घर तक बिजली पहुंचाने में सौर ऊर्जा हमारी मदद कर सकती है। यहां पर जो डेमोंस्ट्रेशन दी गई है
सोलर एंटरप्रेन्योर्स द्वारा, वो काफी लोगों को आकर्षित करेगी। IARI पूसा के इस एग्जीबिशन हॉल का दौरा लगाते माननीय प्रधानमंत्री, टेक्नोलॉजी जेनरेशन, टेक्नोलॉजी इवैल्यूएशन, एक्सटेंशन और फिर उसका अडॉप्शन, ये एक व्यवस्थित ढंग से कैसे हो, तकनीक मानव कल्याण के लिए कैसे काम में आए, ये उद्देश्य है टेक्नोलॉजी और रूरल लाइफ इस प्रदर्शनी का। गांव स्वावलंबी बने, स्थानीय क्षेत्रों से बने, उसे से हर घर परिवार में सामाजिक आर्थिक संपन्नता आए, व्यवस्थित ढंग से इस उद्देश्य को हम प्राप्त कर सकें, इस दिशा में बढ़ते कदम भारत के। और चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो या अन्य भारत सरकार की स्कीम्स, इनके क्रियान्वयन और निगरानी के लिए ई गवर्नेंस मॉडल को अपनाया जा रहा है। आवास सॉफ्ट, आवास ऐप, इससे मॉनिटरिंग आसान हो जाती है। और आज माननीय प्रधानमंत्री दिशा पोर्टल और ग्राम संवाद का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्माण की बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं अगर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें तो मेरी सड़क ऐप बहुत लोकप्रिय हुआ है। ये जन भागीदारी का भी बहुत बड़ा उदाहरण है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, वैल्यू चेन आधारित वनोपज आजीविका, एक पूरी सप्लाई चेन किस तरह से विकसित हो, किस तरह से वह आजीविका का साधन बने, फिर चाहे उर्वरक प्रबंधन की बात हो, खरपतवार प्रबंधन की बात हो, संसाधन संरक्षण की बात हो, उन्नत कृषि यंत्र कैसे लगाएं, कृषि उत्पादन में गुणवत्ता कैसे बढ़े, जैव उत्पादों द्वारा हानिकारक कीटों का नियंत्रण, इन तमाम विविध विषयों पर ये स्टॉल्स हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कृषि क्षेत्र में शोध और शिक्षा के लिए प्रतिष्ठित है और IARI परिसर में आयोजित यह एग्जीबिशन हॉल।
IARI के अंतर्गत जोनल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एंड बिजनेस प्लानिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट द्वारा यहां पर एक स्टॉल में स्टार्टअप इंडिया और स्टैंडअप इंडिया का मुजाहरा भी किया गया है। कैसे उनके इंक्यूबेशन सेंटर में एग्रो इंडस्ट्रीज़, एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप के अवसर इंक्यूबेट किए जा सकते हैं, ये वहाँ दर्शाया गया है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो हमेशा ही बल देते आए हैं कि आज का युवा जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बने। ग्रामीण विकास और कृषि क्षेत्र में उद्यमिता के भी बहुत से अवसर हैं। माननीय प्रधानमंत्री का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, बहुत ही बारीकी से चीजों को समझना, मानव कल्याण के लिए तकनीक को प्रयोग में लाना, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर खास तौर पर बल देना, सूचना प्रौद्योगिकी के जरिए सुनिश्चित करना कि सफल मॉडल्स का प्रचार प्रसार हो, और माननीय प्रधानमंत्री के साथ माननीय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, ग्रामीण विकास की झलक IARI पूसा के एग्जीबिशन हॉल में हम देख सकते हैं। सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय अमरजीत जी वहां पर माननीय प्रधानमंत्री को मॉडल की बारीकियों से परिचित कराते हुए। लघु वन उत्पाद, इन उत्पादों को बाजार से कैसे जोड़ा जाए, टेक्नोलॉजी इसमें सहायक हो सकती है। माननीय प्रधानमंत्री ने पहले ही जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस और ई नैम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट द्वारा एक रूप बाजार बनाने की कोशिश की है, ताकि जो उत्पाद हो उसे आसानी से बाजार मिल सके। किचन गार्डन मॉडल हो, वर्मी लैंड हो, कंपोस्ट पिट हो, ड्रिप मल्चिंग का मॉडल हो कि कैसे इवेपोरेशन कम हो, इन तमाम मॉडल्स का मुजाहरा माननीय प्रधानमंत्री लेते हुए, उसे बारीकी से समझते हुए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में राज्यों को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी, अपंगता तथा अवांछित कमी के अन्य मामलों में अपनी आर्थिक क्षमता और विकास के दायरे में रहकर अपने नागरिकों को जन सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। और इन्हीं मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP, इसकी स्टॉल भी यहाँ एग्जीबिशन हॉल में, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम
जिसके अंतर्गत सोशल पेंशन देने का प्रावधान है, और ये सोशल पेंशन 60 वर्ष से ऊपर के वृद्ध लोगों को मिलती है, 40 साल से ऊपर विधवा महिलाओं को, और साथ ही 18 साल से ऊपर के दिव्यांगजनों को। इसके अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो मॉडल यहां दिखाया गया वो वाकई ही बहुत आकर्षक था, कि किस तरह से पहाड़ों में स्लोप बनाने में जूट का इस्तेमाल किया जाता है। जियो टेक्सटाइल जूट स्लोप प्रोटेक्शन के काम आता है, और फिर उसी पहाड़ी में वेजिटेशन भी कर सकते हैं। कैसे डामर की सड़क बनाई जाती है, गांवों को सड़कों से जोड़ा जाता है, और फिर जब गांव के अंदर जाएं तो सीमेंट की रोड भी बनाई जाती है, और कहीं किसी भी ग्रामवासी को कोई शिकायत हो, कोई प्रतिक्रिया देनी हो, तो मेरी सड़क ऐप के माध्यम से वह सीधा सरकार से जुड़ सकता है। संवाद बना रहे सरकार और जनता के बीच, इसका लगातार प्रयास करते हैं माननीय प्रधानमंत्री। तकनीक से बदलते विकास का स्वरूप विभिन्न स्टॉल्स में हमने देखा, और पूरे एग्जीबिशन हॉल में स्वच्छता देखते ही बनती है, स्वच्छता ही सेवा है। स्वच्छ भारत मिशन की दृष्टि से भी गांवों में महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में नानाजी देशमुख जन शताब्दी समारोह के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एग्जीबिशन हॉल का जायजा लेते हुए, राजस्थान हो, तमिलनाडु हो, लेह लद्दाख का दूर इलाका हो, दक्षिण भारत हो, भारत के विभिन्न राज्यों के आकर्षक मॉडल्स जो हमें ग्रामीण भारत में होती प्रगति और वहां के विकास की झलक देते हैं। परिधानों की अगर बात करें तो कुकून से फैब्रिक तक की यात्रा भी यहां पर दिखाई गई है। टसर सिल्क कैसे बनता है, टसर बीज उत्पादन एवं रेशम कीट पालन। एक बीजागार भवन को यहां दिखाया गया है, उसमें फूंकी कुकून कैसे अपना रूप बदलता है। ये स्टॉल देखकर एक अंदाजा लग जाता है कि किस तरह से ग्रामवासी अपना कार्य कर रहे हैं, क्या जीवन शैली उनकी रहती है, किस तरह के कार्य वहां पर हो सकते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना की बात करें तो उसके अंतर्गत कैसे, चाहे फर्श की क्लीनिंग मशीन की बात हो, सोफा क्लीन करने की बात हो, पोस्ट बेड सिंगल नीडल लॉक स्टिक मशीन की बात हो, उसके इस्तेमाल से वहां पर कार्य हो रहे हैं, रोजगार सृजन हो रहा है। और अब एग्जीबिशन हॉल से बाहर